हमारे साथ चलो जी। आप इंटरव्यू ले रहे हैं? आओ हमारे साथ। लाइव बंद कर दिया गया है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप जी? बंद कर दिया था, फिर क्या करेंगे? नहीं अब क्या करेंगे, जब बंद कर दिया तो अब क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, रिकॉर्डिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है? हम कहना चाह रहे हैं ये सब हमको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमको जब तक पुलिस को हॉट करके से बाहर नहीं निकलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। और इस सिचुएशन के ऊपर मुझको एक बात कहनी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। जी शुक्रिया शुक्रिया। पहले तो कहते थे कि सेफ है ना, लड़कियां ही सेफ नहीं है कॉलेज स्कूल कॉलेज जाते हैं जाने के लिए, आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है, कौन करने जाएगा आज के टाइम में? बंद कर दो स्कूल कॉलेज सब में आग लगा दो, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम में से कोई नहीं जाने वाला। ये बनना है तो बस अगर जिस तरह से बस आग लगाएंगे सारे स्कूल कॉलेज आग लगा दो, क्योंकि कोई नहीं पड़ेगा। ये पहले भी सिर्फ लेडीज सेफ नहीं थी, आज के टाइम में तो कोई भी सेफ नहीं है, कोई बच्चा कोई लड़का कोई लड़की कोई सेफ नहीं है जी। बंद करो सबको। शुक्रिया। ये सब जो हुआ है ये बिल्कुल जी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार ने जो करा है हमारे साथ, ये कहाँ का इंसान है? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए सबको बोला जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तब हम बचपन से लेकर आज तक उसी डेमोक्रेसी में जी रहे, अब अचानक से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतने इतने से बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में उनको इतना स्ट्रेस है कि वो किस तरीके से आगे अपना फ्यूचर देख पाएंगे, हम हमारे पेरेंट्स अगर उनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारे हमारे बच्चे जो है उनका क्या होगा? तो ये सब जो ये जो चल रहा है ये हमारे इंडिया नहीं है, यहाँ पर नहीं होता था ये सब, यहाँ पर सब साथ में रहते थे, यहाँ पर जो जामिया में हो रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसा होगा। हम जामिया यूनिवर्सिटी को एक बहुत रेप्यूटेटिव यूनिवर्सिटी समझते थे, वहाँ पे सबके इतनी सिक्योरिटी मानी जाती थी। मेरी सिस्टर जामिया हमदर्द में पढ़ती है, वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है, अब उसको उस चीज़ का स्ट्रेस है कि उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, उसको आगे एग्जाम के लिए जाने के लिए डेट्स मिलेंगी या एग्जाम्स कैंसिल। एजुकेशन पे भी बुरा फर्क पड़ रहा है, बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है एजुकेशन, क्योंकि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे, रोजाना कुछ ना कुछ वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। क्या मानते हैं कि सरकार यही चाहती है कि लोगों के पास में तालीम ना हो और वो गुलाम बन के रह जाए? सरकार की तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, वो हमारे फ्यूचर खराब कर रही है, बस हम यही देखते जा रहे हैं। कहना चाहती हूँ सरकार ये सब जो पुलिस ने और सरकार ने करा, इस सरकार के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगी, हवाई नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा की सुहाने दिन वो लौटा दो, ये अच्छे दिन तुम्हारी जान ले लेंगे गरीबों के, गुजारिश है अरे मोदी सरकार पुराने दिन वो लौटा दो। शुक्रिया।